हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्लास में आज हम लोग स्ट्रॉन्ग नंबर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग नंबर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो हियर इज अ डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नंबर है और उसके डिजिट्स का जो फैक्टोरियल का जो सम है वो उस नंबर के इक्वल अगर होता है तो हम कहते हैं कि ये नंबर हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 145 नंबर लें और 145 में अगर 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल दिस इक्वल्स टू 145, तो हम कहेंगे कि ये नंबर हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं और स्ट्रॉन्ग नंबर फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर इनपुट करा लेते हैं यूजर से। लेट्स से वो नंबर हमारा एन है, इसी को हम स्ट्रॉन्ग नंबर टेस्ट करेंगे। एंड देन इसके बाद इसी प्रॉब्लम को हम एक्सटेंड करेंगे और एक रेंज में जितने भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स उनको हम प्रिंट करके देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग नंबर का कॉन्सेप्ट चूँकि इससे रिलेटेड है कि इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा फैक्टोरियल, सो इसलिए हम एक काम करते हैं कि स्ट्रॉन्ग नंबर नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं और उसमें एन को पास कर देते हैं। ये केवल ये टेस्ट करेगा कि हमारा जो नंबर गिवन है वो स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। नाउ इसके बाद फिर हमने एक फंक्शन बनाया स्ट्रॉन्ग नंबर, और स्ट्रॉन्ग नंबर फंक्शन में हमने पास किया एक नंबर एन, और इसके हम सबसे पहले डिजिट का एक्सट्रैक्शन करेंगे एंड देन उसके बाद हम उसको फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। तो डिजिट का एक्सट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले हम सबसे पहले काम करते हैं, इस नंबर एन को सेव कर लेते हैं किसी दूसरे नंबर में। जैसे इंटीजर एम इज इक्वल टू एन, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जब डिजिट का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो इस नंबर को मुझे जीरो तक रिड्यूस करना पड़ेगा। सो वाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, हम डिजिट का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और एक रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं, एंड दिस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू एन मॉडुलस 10। तो इससे मुझे डिजिट मिल गई, लास्ट डिजिट अभी मुझे मिली है, और इस लास्ट डिजिट का हम फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे। और लास्ट डिजिट का फैक्टोरियल जो भी आएगा उसको हम एक सम में ऐड कर लेते हैं, और मान लेते हैं कि ये जो सम है उसकी इनिशियलाइज्ड वैल्यू जो है वो जीरो है। ऑब्वियसली हम इसको जीरो इनिशियलाइजेशन करेंगे, जिससे कि सबसे पहले हम लास्ट डिजिट का फैक्टोरियल फाइंड करें उसमें ऐड कर दें, देन सेकंड लास्ट का इसमें ऐड कर दें, देन थर्ड लास्ट का ऐड कर दें, एंड सो ऑन सो फोर्थ, फर्स्ट नंबर का है फैक्टोरियल वैल्यू इसमें ऐड कर दें। चूंकि हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है फैक्टोरियल की, तो हम यहाँ पर एक फैक्टोरियल फंक्शन भी बना लेते हैं। लेट्स से किसी गिवन नंबर एन का हम फैक्टोरियल फाइंड करें। रिकर्शन मेरा एक बहुत ही फेवरेट मेथड है, इसलिए मैं यूजली रिकर्शन से लिख देता हूँ। तो मान लीजिए कि अगर n की वैल्यू जीरो है तो हम रिटर्न कर देंगे 1, अदरवाइज हम रिटर्न कर देंगे n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर इसका रिटर्न टाइप लिख लिया। एक सेग्रीगेटर लाइन बना लेते हैं जिससे कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि यहाँ पे फैक्टोरियल फिनिश हो रहा है या फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन फिनिश हो रही है, और देन स्ट्रॉन्ग नंबर की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। तो स्ट्रॉन्ग नंबर में हमने अभी तक टेस्टिंग कुछ नहीं की है, हमने केवल जस्ट कंप्यूटेशंस किए हैं। अगर लास्ट में हमारा जो नंबर है, क्योंकि हमने नंबर को सेव कर लिया था एन में, वो सम के इक्वल हो जाता है, तो देन हम रिटर्न 1 कर देते हैं। ये 1 इंडिकेटर है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर है, और अदरवाइज हम रिटर्न कर देते हैं 0, जो कि इंडिकेटर है कि हमारा ये नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। क्योंकि हम 1 या 0 रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग नंबर का जो रिटर्न टाइप होगा वो इंटीजर होगा। सेग्रीगेटर लाइन मेन और स्ट्रॉन्ग नंबर के बीच में भी लगा देते हैं, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर की डेफिनेशन फिनिश हो रही है और कहाँ पे मेन की डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग नंबर फंक्शन है वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा 1 या 0 के फॉर्म में, उसको हम एक्स वेरिएबल में एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर एक्स की वैल्यू 1 होती है तो हम कहेंगे गिवन नंबर इज स्ट्रॉन्ग गिवन नंबर इज स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज कहेंगे कि गिवन नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। सो आई होप हमने सब कुछ कर लिया है। वेरिएबल्स को एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमने सभी वेरिएबल्स को सही यूज किया कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे n की ज़रूरत थी तो हमने n को यूज़ किया, n ऑलरेडी डिफाइंड था, पैरामीटर में पास था। स्ट्रॉन्ग नंबर में n गिवन है, एक m वेरिएबल की हमें ज़रूरत थी, हमने उसको डिक्लेयर कर लिया। सम की ज़रूरत थी, उसको हमने इंटीजर डिक्लेयर किया है,
रिमाइंडर की जरूरत थी, हमने रिमाइंडर का भी यूज़ कर लिया है सही से। और उसके बाद फिर फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया है रिमाइंडर के साथ में। हाँ, एक हमसे गलती हो रही है कि हमने नंबर को रिड्यूस नहीं किया। अगर मान लीजिए कि नंबर 145 है तो उसे हमें 10 से डिवाइड करके रिड्यूस करना होगा, तो एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइड बाई 10, जिससे कि हम सेकेंड लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। आई होप आप सबको सही है, इसको रन करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमने 145 को टेस्ट किया, तो ये हमें मिल रहा है कि द गिवन नंबर इज द स्ट्रांग नंबर। तो हमने टेस्टिंग कर ली है, एक और नंबर की हम टेस्टिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने 45 की टेस्टिंग की, तो 45 हमारा स्ट्रांग नंबर नहीं है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल का जो सम है वो 45 से बड़ी वैल्यू होती है। सो अब हम क्या करते हैं कि इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए एक रेंज में स्ट्रांग नंबर्स फाइंड करते हैं। पहले हम रेंज खुद से डिफाइन कर लेते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम उस रेंज को यूज़र इनपुट ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये कहा कि हम 1 से लेके 1000 के बीच में सारे स्ट्रांग नंबर्स फाइंड करेंगे। सो फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू 1000 एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पे हम स्ट्रांग नंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर फंक्शन 1 या 0 रिटर्न करेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट हम यहाँ पे प्रिंटिंग करेंगे। सो इफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, देन हम प्रिंट कर देंगे ये वाला स्ट्रॉन्ग नंबर, मतलब कि एक्स या आई। यस, हमें आई पास करना पड़ेगा और आई को ही हम प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमने आई को टेस्ट किया है कि ये स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। एंड देन इसके बाद अगर ये एक्स इक्वल्स टू 1 नहीं है तो उसको प्रिंट नहीं करेंगे, तो एल्स लगाने की भी जरूरत नहीं है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने स्ट्रॉन्ग नंबर फंक्शन में आई को पास किया, ये टेस्ट किया कि क्या आई नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं, और अगर आई नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है तो उस एक्स में वैल्यू 1 आ जाएगी, और चूंकि एक्स में वैल्यू 1 आ गई इसलिए आई को प्रिंट कर देंगे। हर बार आई की प्रिंटिंग करने के बाद हम न्यू लाइन में चले जाएंगे। आइए इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये परफेक्टली रन कर रहा है कि नहीं। ओके फाइन, ये एक्चुअली एन के एन का इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन एन का जो इनपुट है वो हम रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसमें एन के इनपुट को आप यहाँ से हटा सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। तो आप चेक कर रहे हैं कि केवल 3 ऐसे नंबर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग नंबर है 1 से 1000 के बीच में, 1, 2 एंड 145। इसके बाद मान लीजिए कि हम रेंज अगर बढ़ाते हैं, जैसे हम 5000 कर देते हैं, अब हम टेस्ट कर लेते हैं कि कितने स्ट्रांग नंबर्स हैं। अभी भी 3 ही स्ट्रांग नंबर हैं। तो हमने एक रेंज में स्ट्रांग नंबर्स को भी टेस्ट कर लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल कम विथ सम अदर कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।